With the name of Allah Almighty, the most gracious, the most merciful. Respected students, friend, follower, this is ESL Academy of Linguistics and Literature, and I'm your host, lecturer Sir Rana. Our contact number is 0305-631-9464. Respected students, today we'll see Galileo Galilei as a social star. We'll see to what extent it is a social star. It's a social parable. Social star parable. And the other we'll see characterization or character list in this play. So let's see. Open this assignment. Galileo Galilei. Character list Galileo Galilei. Galileo Galilei पैदा हुए हैं पीसा इटली के अंदर 1564 में पैदा हुए हैं और 1642 में डेथ हुई है. गैलीलियो गैलीली का ये मानना था कोपरनिकस के जो सोलर सिस्टम का जो कंसेप्ट उसने दिया था कि सूरज जो है वो सेंटर है और इसके गिर्द जो है प्लैनेट्स घूमते हैं अर्थ का. उससे पहले जियोसेंट्रिक था कि जमीन जो है वो सेंटर है पॉइंट है और सारी चीज़ें उसके गिर्द घूमते सारे प्लैनेट्स उसके गिर्द घूमते. गैलीलियो गैलीली के वक़्त तीन कंसेप्ट जो थे वो बड़े प्रोमिनेंट थे. पहला जियोसेंट्रिक और उसके बाद टाइकोसेंट्रिक और फिर उसके बाद हेलियोसेंट्रिक. ये हेलियोसेंट्रिक जो था इसको उसने इंडोर्स किया था. उसने कहा था कि असल जो मेथड है वो कौन सा है हेलियोसेंट्रिक. हेलियोसेंट्रिक दैट कंसेप्ट वॉज गिवन बाय अ पर्सन कोपरनिकस. कोपरनिकस ने ये कंसेप्ट दिया था जो कि पैदा हुआ था 1473 में और 1543 रेनेसेंस फिगर था. रेनेसेंस फिगर रीबर्थ ऑफ नॉलेज 1473 राउंड अबाउट 1543 उसकी एज बता रही है कि वो रेनेसेंस एज से ताल्लुक रखता है. रीबर्थ ऑफ साइंटिफिक नॉलेज रीबर्थ ऑफ नॉलेज नॉलेज को रीबर्थ उसका हुआ रिनाइंसिस हुआ रिक्रिएशन हुई रीइंटरप्रिटेशन हुई और उसको इंडोर्स करता है गैलीलियो गैलीली. और ये कंसेप्ट कैसे उसके माइंड में आता है पहले वो कोपरनिकस और बहुत सारी बुक्स जैसे हम उसकी अभी टेक्स्ट पढ़ेंगे तो वो बताता है कि ये सारी बुक्स जो है मैं इसलिए स्टडी कर रहा हूँ कि आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर द ट्रूथ. और वो जब सबसे पहले वो टेलीस्कोप जो बनाता है जब उसका स्टूडेंट उसको एक फॉरनर स्टूडेंट उसके पास आता है लुडविको जब उसके पास आता है तो सबसे पहले आके बताता है कि मैंने एक ऐसी डिवाइस देखी है जिसके जरिए आप देखें तो वो बड़ी जो दूर से चीज़ें हैं जो बड़ी बड़ी नज़र आती हैं. वो फौरन अपने स्टूडेंट को भेजता है एंड्रिया को कि जाओ फलां सामान लेकर आओ और हम वैसी चीज़ कुछ बनाते हैं. और वो बना के वहाँ पे जो चर्च होता है या वो फ्लोरेंस में वहाँ पे जाके दिखाता है इटली के लोगों को कि देखें मैंने ये चीज़ बनाई है एक न्यू क्रिएशन. और उससे वो रिवार्ड हासिल करता है. उसे पैसों की ज़रूरत भी है. हम देखते हैं कि वो मिल्क नहीं ले रहा उसके पास पैसे नहीं है. इवन के घर की मुलाजमा जो है मेड जो सर्वेंट है वो भी उसे कह रही है कि तुम ट्यूशन पढ़ा लो इसको लुडविको को ताकि तुम्हारे पास कुछ पैसा इकट्ठा हो जाए ये काफ़ी रिच स्टूडेंट है. तो इससे हमें मालूम होता है कि गैलीलियो गैलीली की जो फाइनेंशियल हालत है वो भी कोई इतनी साउंड नहीं है इतनी अच्छी नहीं है. कोपरनिकस का जो सोलर सिस्टम का एक कंसेप्ट था उसको इंडोर्स करता है और उसको फॉलो करता है. और उसके हेलियोसेंट्रिक जो उसका कंसेप्ट था कि सोलर सिस्टम में जो सूरज है सन जो है उसके गिर्द सारी चीज़ें घूमती हैं. और इसके अलावा ये एक ऑब्जर्वर था एक फिजिस्ट था एक इंजीनियर था एक नेचुरल फिलोसोफर था एक मैथमेटिशियन था और बहुत ज़्यादा इसके पास नॉलेज था. और लोग स्टूडेंट्स जो हैं उससे दूर दूर आते हैं इवन के फॉरनर स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ गैलीलियो का नाम सुनते हैं. ये भी हमने इस प्ले के अंदर देखा. और बर्टोल्ट ब्रैकेट जो हैं ये बेसिकली खुद इन हालात का शिकार है. एक तो नाजीज़म जो है हिटलर की वजह से प्रॉब्लम है ऊपर से वो एक मार्क्सिस्ट है उसके रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ हैं उसको बैनिश किया जाता है अमेरिका जाता है. अमेरिका में जो अन अमेरिकन एक्टिविटीज़ की को मॉनिटर करने वाले हैं वहाँ से भी उसको फिर अल्टीमेटली वापस आना पड़ता है. उस वक्त हिटलर की जो रजीम है ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी
तो फिर उसके बाद ये वहाँ पे आके अपना एक अदारा सेटअप करता है अपनी वाइफ के साथ मिलके, और ये बानी है एपिक सेंटर का, एपिक थिएटर का। एपिक थिएटर का कंसेप्ट ये है कि थ्रू एलिनेशन, थ्रू डिस्टेंसिंग, थ्रू गेस्टस, थ्रू गेस्टस, थ्रू इंस्ट्रेंजमेंट, थ्रू डिस्टेंसिंग एंड एलिनेशन, रीडर को पहले से मोटिवेट कर दिया जाए और पहले से उनको इन्फॉर्म्ड कर दिया जाए, दे शुड बी अवे फ्रॉम इमोशंस, पैशंस, फीलिंग्स, और दे आर फ्री ऑब्जर्वर, नो दे आर नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पिटी, फियर एंड इमोशंस, रादर दे आर फ्री फ्रॉम ऑल दीज थिंग। जो कुछ परफॉर्म किया जा रहा है स्टेज पे उसकी इंटरप्रिटेशन दी जाएगी, उसके बारे में डिफरेंट अफेक्ट्स जो हैं वो दिखाए जाएंगे, और उसके बाद रीडर को बतौर ऑब्जर्वर सामने बना बिठा दिया जाएगा, ना कि जस्ट करैक्टर के अकॉर्डिंग मैनिपुलेट होने वाला एक रिप्रेजेंटेटिव नहीं, बल्कि एज अ बतौर ऑब्जर्वर बनाया जाता है। उससे पहले क्या था ड्रामेटिक थिएटर के अंदर, क्या था कि ऑडियंस जो है वो करैक्टर के साथ चलते थे, और उसके अंदर सिस्टमेटिक एक जैसे उसमें एक्ट्स होते थे, लेकिन यहाँ पे आपको कोई सिस्टमेटिक एक्ट्स वैसे नहीं मिलेंगे, इसके अंदर सीन्स होंगे। जैसे इसके अंदर 15 सीन्स हैं, और हर सीन जो है आपको एक आइसोलेट एक ओवरऑल एक कहानी लगेगी, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरा, चौथा, सो ऑन सो ऑन एंड सो फोर्थ। 15 सीन है इसके अंदर, और हर सीन जो है एक अपनी डिफरेंट लाइफ, एक डिफरेंट उसकी दुनिया है। आप जैसे जैसे देखते जाएंगे, आप एक एक सीन पढ़ेंगे तो दूसरा कुछ और कहेगा, तीसरा कुछ और कहेगा, इस तरह इकट्ठा किया गया है एक स्टोरी को। और ये एक हिस्टोरिकल प्ले है, और फिर ये एक स्टायर है, एक सोशल स्टायर है उस वक्त के लोगों के, नाजी के ऊपर, अमेरिकन जो लोग हैं जैसे वो ट्रीट कर रहे हैं फॉरनर को, उनके ऊपर, यानी हर तरह से। इवन के यहाँ पे कंपेयर करेंगे हम बुश के साथ, और बुश के साथ उस वक्त के जो बिशप थे, प्रेजेंट जो एरा है उसमें हम देखते हैं बुश को देख लें, या किसी ऐसे जो टेरनिकल फिगर है जो अपनी मनमानी करते हैं, वो देखने में तो उन्होंने बहुत अच्छा ड्रेस पहना हुआ है, डिसेंट हैं, लिटरेरी पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं तो वो फिर क्या बन जाते हैं, वो फिर डिक्टेटर बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर जो चर्च मैन था, जो प्रीस्ट था, जो बिशप था, जो उस वक्त के हाईली क्वालिफाइड लोग थे, पढ़े लिखे थे, वैसे तो वो साइंस को मानते थे, जानते थे नॉलेज को, लेकिन जब वो सीट पर पहनते, जब उनके सर के ऊपर वो क्रॉन, बिशप का क्रॉन आ जाता, वो ताज आ जाता, तो फिर उसके लिए वो क्या करते, रैशनल थॉट्स को छोड़कर वो उसको फॉलो करते। ये अभी हम इसके अंदर देखेंगे जो असाइनमेंट पढ़ेंगे। सो तीन मेथड जो थे, फिर नोट कर लें, उस वक्त बड़े प्रोमिनेंट थे। एक था हेलियोसेंट्रिक, जो कि गैलीलियो गैलीली का मानना था, कोपरनिकस का जो कंसेप्ट था कि ये ज़मीन जो है ये रोटेट करती है सन के इर्द गिर्द, उसके गिर्द रोटेट करती है, ठीक है। सन जो है वो स्टेशनरी है, वो साकन है, और बाकी दूसरे जो है प्लैनेट्स उसके गिर्द घूमते हैं, ना कि सूरज घूमता है। इससे पहले कंसेप्ट कुछ और थे। इवन कि हम अभी जो पढ़ेंगे टेक्स्ट पढ़ेंगे, उसके अंदर गैलीलियो गैलीली एक स्टूल लेगा आयरन का, वो एक साइड पर रख देगा, और फिर उसको कहेगा, एंड्रिया को कहेगा, उसको चेयर पे सामने बिठाएगा, उसे कहेगा कि अब मुझे ये बताओ, ये स्टूल जो है, जो तुम्हारे आयरन स्टूल तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, ये है एक सूरज, और तुम हो, तुम सामने हो, ये साकन है, तुम इसके सामने, मैं तुम्हें सामने बिठाता हूँ, मुझे बताओ अब तुम किस साइड पे हो। वो कहेगा लेफ्ट साइड पे, वो उसको वैसे चेयर समेत उठाएगा और फिर वो लेफ्ट साइड पे उसे बिठा देगा, उसे कहेगा अब तुम कहाँ हो, तो एंड्रिया आगे से कहेगा लेफ्ट साइड पे, तो फिर उसे बताएगा, कहता है कि अब बताओ कि ये तुम्हें मैंने मूव किया है, ये स्टूल जो आयरन है ये बिल्कुल वैसे वहाँ पे खड़ा है, यानी मूवमेंट जो है वो बेसिकली किसकी हो रही है, वो ज़मीन की हो रही है, ज़मीन मूव और तुम उसके ऊपर हो। अब चेयर जो है ये जस्ट वो उसे वो कहता है कि ये एक ज़मीन है और तुम उसके ऊपर बैठे हुए हो, अब ये मूव कर रही है लेकिन तुम्हें ये फील हो रहा है कि ये बिल्कुल मूवमेंट में नहीं है। सन जो है वो सुबह निकलता है और वो फिर वो सेट हो जाता है, तुम्हें ये लगता है कि शायद सन जो है वो मूवमेंट में है, जबकि गैलीलियो गैलीली को एंड्रिया बताता है मैं तो हार्डली 11 साल का होने वाला हूँ अभी,
या इतनी मेरी एज है, मैं शायद इतना नहीं जानता इसके बारे में, और मुझे तो इतना पता है कि सूरज सुबह निकलता है उसके बाद ग्रुप हो जाता है। ये एंड्रिया जब वो डिस्कोर्स कर रहा होता है, उसके साथ कन्वर्सेशन डायलॉग कर रहा होता है, तो वो उसको बताता है। इसका मतलब ये है कि आम जो बच्चे हैं, आम जो लोग हैं, वो भी यही बिलीव रखते हैं कि सूरज जो है वो मूवमेंट में है, वो अपनी शक्लें शक्ल बदलता रहता है, तो शायद वही मूवमेंट करता है, जबकि ऐसा नहीं है। सो लेट्स सी, हमने देखा, कल भी हमने डिस्कस किया कि डाडाइज्म और एक्सप्रेशनिज्म, इम्प्रेशनिज्म, ये सारी मॉडर्निज्म की ये सारी उसकी मूवमेंट हैं, मॉडर्निस्ट मूवमेंट्स हैं ये, और उस वक्त की ये सारी क्रिएशन है डाडाइज्म, एक्सप्रेशनिज्म, जो जर्मन और फ्रांस और इस तरह के कंट्रीज में ये फ्लोरिश्ड हुई। और उसके बाद ये भी कुछ सम एक्सटेंट इनसे इनका कायल था, लेकिन ही गिव्स हिज न्यू कॉन्सेप्ट एपिक थिएटर। इसने कहा कि ये जो थिएटर है ये एक इंस्ट्रक्शन, इसके ये टीच करना चाहिए। उससे पहले क्या कंसेप्ट था कि लिटरेचर इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ। ही सेड दैट लिटरेचर इज नॉट मेयर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ, रादर इट इज अ हैमर विद विच यू कैन मेंड सोसाइटी। ये बर्टोल्ट ब्रैकेट ने कहा था कि आप लिटरेचर के जरिए, स्टेज के प्ले के जरिए आप लोगों को टीच कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, एज अ ऑब्जर्वर बना सकते हैं। दे विल बी ऑब्जर्वर, दे विल ऑब्जर्व एंड दे विल गिव देयर कॉमेंट। तो वो कॉमेंट कब देंगे, अगर आप उसको पैशन, पिटी, फियर से निकाल के ले आएंगे किस साइड पे, एपिक थिएटर की तरफ, एलिनेशन की तरफ, एस्ट्रेंजमेंट की तरफ, और डिस्टेंस टेक्निक्स के जरिए उनको आप सिखा दें कुछ, तो वो दे विल प्ले वेल, दे विल डू वेल, दे विल परफॉर्म वेल, दे विल वर्क वेल, दे विल जज वेल, तो उनकी अप्रोच जो है वो अच्छी हो जाएगी। सो लेट्स सी, करेक्टराइजेशन है हमारे पास गैलीलियो गैलीली एक प्रोटैगोनिस्ट है प्ले का, और गैलीलियो गैलीली के बारे में स्टिल जो है वो अंडर डिस्कशन है ये टॉपिक कि क्या वो रियल हीरो था, क्या वो रियल हीरो था। चूंकि वो डर गया था तो वो शायद रियल हीरो नहीं था, लेकिन बर्टोल्ट ब्रेकट साबित करता है कि वो रियल हीरो था। आपको इंडोर्स करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए नेचुरल चीज़ों को, एज अ, जैसे वो एक नेचुरल फिलासफर भी था, मैथमेटिशियन था, ज्योमेट्री का भी माहिर था, और उसके अलावा इंजीनियर भी था, और साथ वो फिजिस्ट भी था, एस्ट्रोनोमर भी था, तो इस तरह बहुत सारा नॉलेज था उसके पास। तो वो बीइंग अ रियलिस्ट वो एक्सेप्ट करता है कि इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो बड़े डेंजरस हैं, वो उनको एक्सेप्ट करता है और उनसे वो मानता है कि वो उनसे डर जाता है। उसको डरने के बाद वो एज अ रैशनल अप्रोच, एज अ सेंस, अपनी सेंस को यूज़ करता है, उसी को यूज़ करते हुए वो जो इरेशनल लोग हैं उनसे वो सबकत ले जाता है, यानी वो थोड़ा सा रिकेंट करता है, सरेंडर करता है, और फिर हाउस रेस्टेड होते हुए अपनी बुक लिख डालता है और अपने शागिर्द एंड्रिया के थ्रू उसको बाहर निकाल देता है। तो वो यहाँ पे साबित करता है कि बीइंग अ नेचुरलिस्ट हमें नेचुरल चीज़ों को मानना चाहिए, कि ही वॉज अफ्रेड बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, दे वर वेरी डेंजरस, वो काफ़ी डेंजरस इंस्ट्रूमेंट थे, तो वो उनसे डर गया था और उसके बाद उसने उनको एक्सेप्ट किया, एंडोर्स किया, और फिर उसने लिखा, बुक लिखी। एंड्रिया सार्टी जो है वो गैलीलियो गैलीली का स्टूडेंट है, और वो एक यंग बॉय है, और वो हार्डली 11 ईयर ओल्ड है, और उसकी जो मेड है, हाउस मेड है, जो वहाँ पे फीमेल सर्वेंट है, उसका वो बेटा है, और उसको वो टीच करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट टीच कर रहा है घर में, उसे बता रहा है कि भाई जो हेलियोसेंट्रिक जो मेथड है, जो कोपरनिकस का जो मेथड था, जो उसने साबित किया था, जो सोलर सिस्टम, वो ठीक है। मिसेस सार्टी जो है वो क्या है, वो एक हाउस कीपर है गैलीलियो गैलीली की, और उसके यहाँ काम करती है। वो उसे बताती है कि तुम ये जो चीज़ें गैलीलियो गैलीली ये चीज़ें जो तुम टीच कर रहे हो, दैट इज़ नॉट गुड, एंड दे विल रियली स्पॉइल योर करेक्टर एज वेल एज दे कैन पुट माई सन इन डेंजर एज वेल। सो लुडविको मर्सिली है, ये एक यंग नोबल मैन है, यानी काफ़ी अमीर है, एरिस्टोक्रेटिक है, और ये उससे लर्न करने के लिए आया है, और इसने नाम सुना है
गैलीलियो गैलीली का फार्म कंट्री में नीदरलैंड में समवेयर इसने नाम सुना है, और उसने वहाँ पे एक स्पेशल किस्म की डिवाइस देखी है। वो आके गैलीलियो गैलीली को आके इन्फॉर्मेशन देता है कि मैंने ये डिवाइस देखी है और ये डिवाइस जो है बड़ी ज़बरदस्त है, इसके ज़रिए आप दूर से जो चीज़ें हैं वो आपको बड़ी नज़र आती हैं। तो वो उससे तो चाहिए, वो फौरन सामान मंगवाता है एंड्रिया से, और उसके बाद एंड्रिया सामान मंगवा के उसको क्रिएट करता है, और उसके बाद अच्छा रिवार्ड हासिल करता है लोगों से गैलीलियो गैलीली। वर्जीनिया जो है बेटी है गैलीलियो गैलीली की, और ये लेटर एंगेज होती है किसके साथ, लुडविको के साथ जो उसका स्टूडेंट था। सेग्रीडो जो है ये फ्रेंड है गैलीलियो गैलीली का, हुम क्वेश्चन हिम अबाउट द प्लेस ऑफ गॉड इन हिज हाइपोथेसिस, जो कि क्वेश्चन करता है प्लेस ऑफ गॉड इन हिज हाइपोथेसिस, हु क्वेश्चंस हिम अबाउट द प्लेस ऑफ गॉड इन, वो जो कि उसकी हाइपोथेसिस उसके मफरूजे में से गॉड की जगह का क्वेश्चन करता है। द लिटिल मंक कौन है, ये मेंबर है चर्च का, और उसके बाद ये अपोज करता है गैलीलियो गैलीली का जो आइडिया है, and remain loyal to the church, और चर्च के साथ लॉयल रहता है। उसके बाद astronomy ये एक नाउन है, और ये किसकी astronomy का मतलब होता है, ये माहरे फलकियात ये stars का knowledge इसको कहते हैं astronomy। उसके बाद है cosmogony, ये भी एक नाउन है, branch of science that deal with the origins of the universe, यूनिवर्स की ओरिजिन कैसे हुई है, क्या चेंजिंग आई है, क्या सिस्टम है सोलर सिस्टम स्पेशली, इसकी स्टडी को कहते हैं कॉस्मोगनी। कॉस्मोगनी इज अ नाउन एंड दैट इज अ स्टडी ऑफ द सोलर सिस्टम की स्टडी को कहते हैं कॉस्मोगनी। उसके बाद ये सारे बेसिक कंसेप्ट हैं, ये बेसिकली एक प्ले नहीं है, इसके अंदर भी प्ले है, ये एक हिस्टोरिकल प्ले है। फिर उसकी ब्रैकेट कि बर्टोल्ट ब्रेक्ट की लाइफ है, उसके साथ क्या क्या हुआ वो भी हम भी देखते हैं। ऑनरेरियम्स ये एक रिवार्ड है जो कि प्रोफेशनल सर्विस के लिए परफॉर्म दिया जाता है। फेडुआ जो है ये प्रोवेंस है वेनेटो रीजन्स ऑफ इटली का फेडुआ, और वहाँ पे ये जाता है अपना दिखाने के लिए उनको। आगे है बैलिफ, बैलिफ एक नाउन है, और ये ऑफिशियल इन कोर्ट ऑफ लॉ, जैसे आपने देखा होगा बैलिफ के ये बैलिफ आई है, यहाँ पे बैलिफ होती है, ये कोर्ट की स्पेशल फोर्स होती है, उसे कहते हैं बैलिफ। थियोलॉजियन होता है नाउन, क्लर्जीमैन, तो वो उसे कहते हैं थियोलॉजियन, जो चर्च के लोग होते हैं। आगे थॉलमिक, पी साइलेंट है इसमें, थॉलमिक सिस्टम प्रॉपर नाउन है ये, theory that earth is the stationary center of the universe, ये है Ptolemaic system। Ptolemaic system में क्या है कि earth is the stationary center of the universe with the planets moving is epicyclic orbits with surrounding concentric sphere, यानी इस Ptolemaic method के ज़रिए क्या है कि ये एक Ptolemaic method में कि ज़मीन जो है वो center है सारी चीज़ों का। armillary sphere a model of the celestials globes constructed from the rings and the loops representing the equators, yani ye ek loops hoti hain aise dairon mein rings mein uska ek globe banaya hua hai usko kehte hain armillary spheres, the tropics and the celestial circles able to revolve on axis, yani agar aap book khole to book ke andar bhi ye bana hua hai jab hum dekhenge text usme। कोपरनिकस जो है ये क्या है, ये एक नाम है, और ये पोलैंड में पैदा हुआ था, मैंने बताया भी इसका, और इसने सबसे पहले सोलर सिस्टम का कंसेप्ट दिया था कि सूरज जो है सन जो है वो साकन है, और उसके गिर्द ज़मीन जो है वो घूमती है, और गैलीलियो ही उसी के नज़रिए को इंडोर्स करता है, उसको फिर प्रोलोंग करता है अपनी टेलीस्कोप के ज़रिए। अ मैथमेटिशियन एस्ट्रोनॉमर्स ड्यूरिंग द रेनेसेंस हु सजेस्टेड दैट द सन वाज एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, यानी फर्स्ट टाइम कोपरनिकस का जो कंसेप्ट था उसको गैलीलियो ने एक्सटेंड किया है, ये पहले ही दरियाफत हो चुका था, कोपरनिकस जो है वो इसका बानी है। और सस्टेनेंस का मतलब होता है न्यूरिशमेंट्स, और इसके बाद जी है हेरेसी का मतलब होता है हेरेसी नाउंस हेरेसी
dissent from the orthodox conventions and belief. और इसके बाद ये inquisitions जो है ये बड़ा important है. Inquisitions जो होता है ये होते हैं ecclesiastical tribunals established by the Pope. यानी ये एक tribunal है, group of peoples होते हैं जो क्या करते हैं, inquire करते हैं और देखते हैं church के affairs को. उसके बाद ये oppressions है, oppressions domination को इजहार करता है, propaganda है, ये सारे इसके अंदर use होंगे. So let's see, निकालिएगा जरा आप टेक्स्ट. अब हम टेक्स्ट को देखते हैं. आपके पास बुक होगी, अगर बुक नहीं है आपके पास तो आपको मैंने लाइन टू लाइन टेक्स्ट सेंड की हुई है, काइंडली उसको देखें और उससे हम देखते हैं मजीद. देखिएगा, गैलीलियो गैलीली अ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स एट द फिजुआ, और इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है फिजुआ, जै साउंड जो है ना वो आएगी फिजुआ. फिजुआ सेट आउट टू प्रूव कॉपरनिकस न्यू कॉस्मोगनी. अभी मैंने बताया कि सोलर सिस्टम की जो स्टडी है उसको कहते हैं कॉस्मोगनी. हाँ जी, कंप्लीट टेक्स्ट देखिएगा नीचे. इन द ईयर 1609 साइंस लाइट बिगन टू शाइन एट फिजुआ सिटी इन द मॉडस्ट हाउस. गैलीलियो गैलीली सेट आउट टू प्रूव द सन इज स्टिल, द अर्थ इज ऑन द मूव. ये कंसेप्ट तो बेसिकली कॉपरनिकस का है जो पोलैंड में पैदा हुआ है. डेट ऑफ बर्थ है उसकी 1473 और 1543, रेनेसेंस फिगर है और उसी का जो कंसेप्ट है उससे रिलेटेड बहुत सारी बुक्स पढ़ता है गैलीलियो गैलीली, और उसको साबित करने के लिए चूंकि ये मैथमेटिशियन है और बहुत ज़्यादा जानता है मैथमेटिक्स के नॉलेज को, और कॉपरनिकस के जो कंसेप्ट उसका जो सोलर सिस्टम का आइडिया है उसको प्रोलोंग करना चाहता है, उसको एक्सटेंड करना चाहता है, और उसके लिए ही वो टेलीस्कोप बनाता है. द सन इज स्टिल वो बताता है, गैलीलियो गैलीली प्रूव करता है. क्या प्रूव करता है? सेट आउट शुरू करता है किस चीज़ को? सन इज स्टिल, के सन खड़ा है एंड अर्थ इज ऑन द मूव, और जमीन जो है वो मूवमेंट में. गैलीलियोस रादर रेच्ड स्टडी इज फिजुआ. इट इज अ मॉर्निंग, अ बॉय एंटरिया द हाउस कीपर सन ब्रिंग इन अ ग्लास ऑफ मिल्क एंड अ रोल. सुबह का टाइम है और उसका जो सर्वेंट, बॉय सर्वेंट है, जो उसकी मेड सर्वेंट का बेटा है, नाम है उसका एंड्रिया, वो एक रोल और एक मिल्क जो है उसके लिए ग्लास लेकर आता है दूध पीने के लिए. गैलीलियो वॉशिंग डाउन टू द वेस्ट एंड पफिंग एंड चीयर्स, यानी वो यानी लंबे लंबे सांस लेते हुए और वो क्या करता है, फ्रेश खुशी से आता है. दैट पुट दैट मिल्क ऑन द टेबल्स, और मिल्क को कहता है कि टेबल पे रख दो. एंड डोंट यू शट ऑफ दोज बुक्स, एंड डू नॉट यू शट एनी ऑफ दोज बुक्स. और इन बुक्स, जो बुक्स खुली हैं उसके सामने, बुक्स खुली हैं ना टेबल पे, वो कहता है इनको बंद ना करना. एंड्रिया आगे से कहता है, मदर सेज वी मस्ट पे द मिल्क मैन और ही'ल स्टार्ट मेकिंग द सर्कल अराउंड आवर हाउस मिस्टर गैलीली. वो आगे से कहता है कि मेरी मदर ने कहा है कि जो मिल्क मैन है उसके पैसे हमें दे देने चाहिए. ही विल स्टार्ट मेकिंग अ सर्कल अराउंड आवर हाउस, अदरवाइज वो हमारे घर के को घेरा डाल लेगा, यानी वो हमारे घर दरवाज़ा कटकाएगा या हमारे घर आ जाएगा. गैलीलियो आगे से कहता है, डिस्क्राइबिंग अ सर्कल यू मीन एंड्रिया, कि क्या मतलब सर्कल से तुम्हारा? एंड्रिया आगे से कहता है, विच आवर यू लाइक, इफ यू डोंट पे द बिल ही विल स्टार्ट डिस्क्राइबिंग अ सर्कल राउंड अस मिस्टर गैलीली. अगर तुम उसको पे नहीं करेंगे करोगे तो वो खुद ही तुम्हें बताएगा कि सर्कल क्या है मिस्टर गैलीली. अब ये उसके साथ एक कन्वर्सेशन में है. गैलीलियो आगे से कहता है, वेयर एज वन मिस्टर कैम्बियंस द बैलिफ्स कम स्ट्रेट फॉर अस, व्हाट सॉर्ट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज ही गोइंग टू पिक. और कहता है कि जब कोई कॉन्स्टेबल आएगा तो वो कैसा डिस्टेंस होएगा हो जाएगा, यानी अगर कॉन्स्टेबल आता है, यानी वो किसी बैलिफ को लेकर आता है या कोई कॉन्स्टेबल आता है, तो कहता है वो उसके और हमारे दरमियान कितना डिस्टेंस होगा. ग्राइनिंग एंड्रिया आगे से कहता है, द शॉर्टेस्ट, बहुत छोटा सा. आगे एंड्रिया, अब उसको वो साइंस की तरफ लाना चाह रहा है. एंड्रिया कहता है, आगे गैलीलियो कहता है, राइट, बिल्कुल ठीक. आई हैव गॉट समथिंग फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है. लुक बिहाइंड द स्टार चार्ट, पीछे देखो तुम्हारे एक स्टारों का चार्ट है.
तो आगे एंड्रिया कहता है रूमेजेस बिहाइंड द स्टार्स चार्ट्स एंड ब्रिंग आउट अ बिग वुडन मॉडल्स ऑफ द थॉलमिक सिस्टम। वो पीछे देखता है और अपने पीछे जो थॉलमिक एक सिस्टम का मॉडल है, ये ना एक चार्ट है, उसके अंदर दायरे बने हुए हैं, यानी जो सेंटर है वो जमीन है, उसके गिर्द सारी चीजें जो हैं वो ऐसे घूम रही हैं। तो इस जमीन के जो ये सिस्टम था पुराना, उसके मुताबिक क्या था कि जमीन जो है वो सेंटर है, उसके गिर्द सारी चीजें जो हैं वो घूम रही हैं। वो कहता है ये चार्ट को देखो, इसके मैं तुम्हें कुछ बताना चाह रहा हूँ। कौन कहता है? ये कह रहा है गैलीलियो एंड्रिया से। वो बेसिकली साइंस के बारे में उसे कुछ समझाना चाह रहा है। कॉपरनिकस न्यू कॉस्मोगनी, नाइक्लोस कॉपरनिकस पब्लिश हिज की वर्क। ये नीचे थोड़ा सा मेंशन किया हुआ है। अच्छा, ये जो है थोड़ा सा मिटा हुआ है, मैं इधर अपनी बुक से जो है आपको पढ़ाता जाता हूँ, आपको इधर समझ आ जाएगी। देखिएगा आगे है जी, ये पेज नंबर ज़रा मुझे बताइएगा, ये कौन सा है? 78। हाँ जी, वाट इज इट, वो से कहता है वाट इज इट, गैलीलियो आगे से कहता है दैट इज आर एर्मिलरी स्फीयर। ये एक रिंग का स्फीयर है। स्फीयर, स्फीयर मीन कि एक नक्शा है, तो वो ऐसे बना हुआ दायरे में, दायरों में, उसके सेंटर में जमीन है, उसके अंदर उसके इर्द गिर्द बहुत सारे सारे प्लैनेट और सूरज मून सारे बनाए हुए हैं। वो ऐसे शो किया जा रहा है कि ये सारी चीज़ें इसके गिर्द घूमती हैं। कहता है गैलीलियो कहता है दैट इज एर्मिलरी स्फीयर, ये एक रिंग स्फीयर, रिंग शेप का स्फीयर है, शेप है। इट इज कॉन्ट्रैप्शंस, ये एक टूल है, ये एक गैजेट है, टू शो हाउ द प्लैनेट मूव अराउंड द अर्थ। और ये बताते हैं कि कैसे ये सारे प्लैनेट्स जो हैं जमीन के गिर्द घूमते हैं, जबकि हमें कॉपरनिकस मैथमेटिशियन ये बताता है कि ऐसा नहीं है। सोलर सिस्टम में सूरज जो है वो साकन खड़ा है और ये दूसरी चीजें उसके गिर्द रोटेट करती हैं। अकॉर्डिंग टू आवर फोर फादर, ये हमारे फोर फादर का बिलीव है। एंड्रिया कौन बताता है? गैलीलियो। एंड्रिया कहता हाउ गैलीलियो, लेट्स एग्जामिन इट, चलो मायना करते हैं इसका। स्टार्ट एट द बिगनिंग, शुरू से स्टार्ट करते हैं, डिस्क्रिप्शंस, चलो मैं शुरू से आपको बिगनिंग से शुरू से बताता हूँ इसकी डिस्क्रिप्शन। एंड्रिया, इन द मिडल देयर इज अ स्मॉल स्टोन, देखो इसके सेंटर में एक छोटा सा स्टोन है, पत्थर है। आगे वो कहता है, एंड्रिया कहता है इन द मिडल देयर इज अ स्मॉल स्टोन, ओ मिडल, यहाँ यानी सेंटर में एक छोटा सा स्टोन है। गैलीलियो, दैट्स द अर्थ, ये जमीन है, जो थॉलमिक जो उसने बनाया हुआ है, एक जो एक सिस्टम शो किया हुआ है उस नक्शे के ऊपर, उस ग्लोब के ऊपर, वो बेसिकली ये शो किया गया है कि जमीन जो है वो सेंटर है और सारे प्लैनेट उसके गिर्द घूम रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। गैलीलियो जो है उसको अपनी पर्सुएशन से, अपनी रेट्रिक से, अपनी पर्सुएसिव लैंग्वेज से उसको ये डिस्क्राइब करेगा कि ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है, हमारे फोर फादर का जो बिलीव है वो ठीक नहीं है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम एवरीथिंग विल बी ओके, और द नॉलेज ऑफ फिजिक्स विल बी डिस्कस्ड इवन इन एवरी हाउस, कॉमन लेमैन हाउस, यानी फिशमैन हाउस, हर किसी के, फिशरमैन के घर से लेके एक चर्चमैन के घर तक, और एक एरिस्टोक्रेटिक ड्यूक लॉर्ड के घर, एवरी हाउस विल बी टॉकिंग अबाउट दिस फिजिक्स। तो आने वाले वक्त में ऐसा होगा कि नॉलेज जो बढ़ेगा, लोग तरक्की कर जाएंगे, और वो जो जैसे कि पहले जो फ्यूडल लॉर्ड्स का जो निज़ाम था वो एक बोर्जुआ क्लास में बदल गया है, वर्किंग क्लास से यानी मिडिल क्लास की तरफ आ गया है। तो इसी तरह जो ड्यूक क्लास होती थी या जो फ्यूडल क्लास होती थी वो जैसे खत्म हुई है, इस तरह विद द पैसेज ऑफ टाइम नॉलेज बढ़ेगा और बहुत ज़्यादा चेंजिंग आएगी। तो ये उसको एंड्रिया को बताएगा। गैलीलियो, लेट्स एग्जामिन, स्टार्ट द बिगनिंग, डिस्क्रिप्शंस। एंड्रिया, इन द मिडल देयर इज अ स्मॉल स्टोन, इसके मिडल में एक छोटा सा स्टोन है। गैलीलियो कहता है दैट्स अर्थ, ये जमीन है। एंड्रिया, राउंड इट देर आर रिंग, और इसके गिर्द आपके देखें, इसके राउंड कहता है कि बहुत सारे रिंग हैं, वन साइड अनदर, यानी उसके इनसाइड उसके अनदर, यानी एक के अंदर दूसरे रिंग आपको मिलेंगे, यानी सेंटर में आपको जो छोटा सा स्टोन दिखाया गया ये हमारी ज़मीन है, और उसके अंदर बहुत सारे बाल्स हैं ऐसे रखे हुए हैं। तो ये कहता है ये रिंग जो है उसके गिर्द शो किया जा रहा है कि ये सारी चीज़ें इसके गिर्द रोटेट करती हैं। गैलीलियो, हो मैनी, तुम्हें पता है कि ये कितने रिंग हैं, कितने
ये सारे सर्कल हैं, एंड्रिया एट, एंड्रिया कहता है ये कोई आठ हैं, गैलीलियो दैट्स अ क्रिस्टल स्फीयर, ये एक क्रिस्टल स्फीयर इज मेड ऑफ क्रिस्टल ग्लास, ये जो स्फीयर हैं ये दायरे जो हैं ये ग्लास से बने हुए हैं, शीशे के बने हुए हैं, गैलीलियो द स्टार, आगे वो आगे एंड्रिया एंड्रिया कहता है स्टक टू द रिंग्स आर लिटिल बॉल्स, यानी ये जो स्फीयर हैं ये छोटे छोटे जो हैं बॉल्स जो हैं वो रिंग के साथ स्टक हैं, उसके साथ फास्टन है, बंधे हुए हैं। गैलीलियो आगे से कहता है द स्टार्स स्टार्स, एंड्रिया दन कहता है देयर आर बैंड्स, बैंड्स का मतलब होता है लाइंस, देयर आर बैंड्स विद द वर्ड पेंटेड ऑन देम, और ये लाइंस जो हैं इनके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। अगर आप बुक देखें तो बुक के जो पहला पेज ये 175 पेज है ना, इसका मैं स्नैपशॉट आपको सेंड कर देता हूँ, उसको देख लें, इसमें वो सारे दायरे बने हुए हैं, आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। वो असल में इस थॉलमिक जो एक ग्लोब बना हुआ है उसको लेता है और उस बच्चे को समझा रहा है ताकि बच्चा जो है वो उसको समझ जाए। मैं आपको शॉर्ट सेंड करता हूँ। अच्छा ये है वो, इसके दायरे भी जो हैं वो भी उसको बता रहा है। तो ये जो सिस्टम है वो बच्चे को समझा रहा है, उससे पूछता है कि इसके अंदर कितने दायरे हैं, वो उसे बताता है आठ हैं राउंड अबाउट, और उसके बाद अब वो डिस्कस करता जाएगा। एंड्रिया द लोवेस्ट बॉल इज द मून, जो सबसे लोवेस्ट है वो एंड्रिया वो मून है, अबाउ दैट्स द सन, और उनमें सबसे जो ऊपर है वो क्या सन है। गैलीलियो नो स्टार द सन मूविंग, नाउ स्टार्ट द सन मूविंग, अब जो स्टार्ट जो सन है उसने मूवमेंट शुरू की है। एंड्रिया मूव द रिंग्स, रिंग मूव करता है, दैट्स ग्रेट, बट वी आर सो शट इन, लेकिन हम तो जो हैं वो बिल्कुल क्या के बिल्कुल शट इन बैठे हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं, हमें ऐसे लगता है कि बिल्कुल आराम से यानी बगैर मूवमेंट के हैं। गैलीलियो आगे से कहता है ड्राइंग हिमसेल्फ, यस आई फेल्ट दैट द फर्स्ट टाइम आई सॉ वन ऑफ दोज, वी आर नॉट द ओनली वन टू फील इट, ही टॉसेस द टॉवल्स टू द एंड्रिया फॉर हिम टू ड्राई हिज बैक विद, वो उसकी तरफ फेंकता है टॉवल कि उसकी बैक जो है उसको क्या करो, क्योंकि वो नहा के निकला है तो वो उसे कहता है कि इसको ड्राई करो। Walls and spheres and immobility. For the 2000 year people have believed that the suns and all the stars of the heaven rotated around the mankind. कहता है कि 2000 साल तक लोगों का ये यकीन था कि ये सारे planets जो हैं वो इसके गिर्द घूमते हैं, ज़मीन के गिर्द घूमते हैं। Mankind का मतलब है ज़मीन। Pope cardinal कहता है हमारे pope cardinal chief बड़े बड़े princes prince professors, captains, merchants, fishwives and the school kids thought they were sitting motionless inside the crystal sphere. और वो ये कहते थे कि हम बिल्कुल motionless, हमारी जो ज़मीन है वो बिल्कुल motionless खड़ी है, ये movement नहीं करती और हम इसके ऊपर बैठे हुए, जबकि ऐसा नहीं है, ज़मीन जो है वो rotate चक्कर पूरा करती है और वो ऐसे rotate करती है। But now we are breaking out of it. लेकिन अब हम इसको इससे हट रहे हैं, पीछे हट रहे हैं या इसको इस बिलीव को तोड़ रहे हैं। एंड्रिया at full speed because the old days are over and this is a new time. अब वो उसे कहता है कि पुराना दौर अब चला गया है, वो ख़त्म हो गया और नया वक्त आ गया। For the last 100 year, पिछले एक साल से एक सौ साल से mankind has seemed to be expecting something. अब जो mankind है वो एक्सपेक्ट कर रही है, देर इज अ होप, एवरीथिंग विल बी चेंज, देर आपने इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करना है, ये अगर आता है देर विल बी एवरीथिंग विल बी चेंज, देर विल बी लॉट ऑफ प्रोग्रेस, पीपल विल बी हैविंग अ प्रोग्रेस इन फ्यूचर, दे विल बी गेटिंग लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन फ्यूचर। गैलीलियो यहाँ से बताता है उसका मतलब ये है कि चेंज विल बी साइंटिफिक बट विल हैव रिपरकशंस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। यहाँ पे वो बताता है कि ये बड़ा इम्पैक्ट, रिपरकशन का मतलब होता है इम्पैक्ट इन्फ्लुएंस, ये बहुत बड़ा एक अफेक्ट होगा सोसाइटी के ऊपर, सोसाइटी का स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा, चेंज आ जाएगी। जैसे वो पहले वो बताएगा कि पहले फ्यूडल निज़ाम होता था, अब वो टूट के फ्यूडल निज़ाम क्या बन गया, बोर्जुआ क्लास में लोग क्या वर्किंग क्लास में बदल गए, लोगों ने वो ऊपर आ गई क्लास। तो इसी तरह कहता है जो पुराने अकायद हैं, पुरानी बिलीव हैं,
उसकी चेन जो है उसकी जगह ले लेगी। आवर सिटीज आर क्रैम्प्ड, क्रैम्प्ड का मतलब होता है क्राउडेड, भरे हुए हैं। सो आर द मैन माइंड, और इसी तरह उनके दिमाग भी। सुपरस्टिशंस एंड द प्लेग, और उनके जहनों को घेरा हुआ है सुपरस्टिशन ने। सुपरस्टिशन का मतलब होता है तोहम प्रस्ती, फॉल्स बिलीफ, प्लेग, इन चीजों ने घेरा हुआ है। बट नो द वर्ल्ड इज दैट्स हाउ थिंग्स आर, लेकिन अब जो है वो काफी हद तक बदल रही हैं चीजें। बट दे वॉन्ट स्टे लाइक दैट, यानी ऐसे अब नहीं रहेगा। बिकॉज एवरी थिंग इज इन द मोशन माई फ्रेंड, हर चीज मोशन में है। आप इस लाइन को अंडरलाइन कर लें अगर आपके पास बुक है। यहाँ पे वो बता रहा है कि हर चीज जो है वो मूवमेंट में है। विद द पैसेज ऑफ टाइम एज वी हैव डिस्कवर्ड दैट दिस लैंड, दिस अर्थ इज इन द मूवमेंट, दे आर मूव, इट इज मूविंग। सो इट मीन दैट चेंजिंग इज टेकिंग प्लेस। यू कॉन्ट मेक थिंग्स स्टैगनेंट, बिकॉज वंस दे आर स्टैगनेंट दे विल लॉस देयर लाइफ। So the thing is that everything will be improved, everything will move, and once there are movement, changes will occur. तो changes जो हैं वो part of life है, वो आएगी, वो movement जो है वो जिंदगी का हिस्सा है, तो इसे कोई नहीं रोक सकता। वो कहता है motion my friend, everything is in motion my friend। इसको आप जितना मर्जी expand कर लें, आप progress में ले जाएं, आप change में ले जाएं, आप ज़मीन की movement में ले जाएं। sun जो है वो साकन है, ज़मीन movement करती है और वो अपनी rotation को complete करती है। पुराने बदल गए हैं, कायद नए आ जाएंगे, और उसके साथ आप Brecht का जो concept है नाजीज़म के वो ख़िलाफ़ है, वो उसको banish करते हैं। वो even American के जो अन अमेरिकन एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करने वाले हैं उनके भी खिलाफ है, आप उसके साथ भी इसको रिलेट कर सकते हैं। आई लाइक टू थिंक दैट इट बिगिंस विद द शिप, एज फार एज द मैन कुड रिमेंबर दे हैड ऑलवेज हग द कोस्ट। यानी पहले लोग क्या थे, वो हमेशा कोस्ट के से चिमटे रहते, वो कोस्ट के पास रहते, सिर्फ अपने जो एक सर्टन अकायद था उसके साथ चिमटे हुए थे। Then suddenly they abandoned the coastline and ventured out across the... फिर आखिरकार उन्होंने वो जो बस लोग क्या समंदर के पास बैठे और वहाँ से मछलियाँ निकाली और उसके बाद खा ली और वहाँ पे रहते, लेकिन with the passage of time development हुई, वो उससे बाहर निकल गए, सिटी की तरफ आ गए, शहर